नमस्कार, मैं मीनू एम एस दिशा में आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। और दूसरा, मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा वीडियो लेके आई हूँ। और अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और अपने कमेंट्स में जो भी मर्जी हो लिखें। और दूसरा, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स में जय श्री कृष्णा या जो मर्जी हो आपको लिखें। और दूसरी बात मैं बता रही हूँ कि अगर आपको पसंद आता है तो दूसरों को ज़रूर शेयर करें। अब मैं देर ना करते हुए आपसे ये पापा कुशा एकादशी, जो कि अश्विनी मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जो कि इसके महात्म को सुनने से, एकादशी के महात्म को सुनने से ही कई तरह के पाप हमारे नष्ट होकर हमको बहुत पुण्य मिलता है। कई एकादशियां ऐसी हैं जिसमें अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है, वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इस तरह से बहुत सारे पुण्य मिलते हैं खाली आपको वीडियो सुनने से। तो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ पापा कुशा एकादशी, जो कि कल, यानी कि कल है तारीख 14 तारीख को 2024, 14 तारीख सोमवार को एकादशी पड़ रही है पापा कुशा, जो कि शुरू हो गई है 13 तारीख यानी कि आज से। तो वो मैं आपको अब इसका महत्व सुनाने जा रही हूँ, आप सुनना। पापा कुशा एकादशी। युधिष्ठिर बोल, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। पापा कुशा एकादशी। युधिष्ठिर ने पूछा, मधुसूदन, अब आप कृपा करके यह बताइए कि अश्विनी के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है और उसका महत्व क्या है? भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, अश्विनी के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पापा कुशा के नाम से विख्यात है। वह सब पापों को हरने वाली, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली, शरीर को निरोग बनाने वाली तथा सुंदर स्त्री, धन तथा मित्र देने वाली है। यदि अन्य कार्य के प्रसंग से भी मनुष्य एकमात्र एकादशी को उपवास कर ले तो उसे कभी यम यातना नहीं करनी पड़ती, नहीं प्राप्त होती। राजन, एकादशी के दिन उपवास और रात में जागरण करने वाले मनुष्य अनायास ही दिव्य रूपधारी, चतुर्भुज गरुण की ध्वजा से युक्त, हार से शोभित और पीताम्बरधारी होकर भगवान विष्णु के धाम को जाते हैं। राजेंद्र, ऐसे पुरुष मातृपक्ष की 10, पितृपक्ष की 10 तथा पत्नी के पक्ष की भी 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देते हैं। उस दिन संपूर्ण मनोरथ की प्राप्ति के लिए मुझ वासुदेव का पूजन करना चाहिए। जितेंद्रिय मुनि चिरकाल तक कठोर तपस्या करके जिस फल को प्राप्त करता है वह फल उस दिन भगवान गरुण ध्वज को प्रणाम करने से ही मिल जाता है। जो पुरुष सुवर्ण, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, जूते और छाती का दान करता है वह कभी यमराज को नहीं देखता। नृपश्रेष्ठ दरिद्र पुरुष को भी चाहिए कि वह स्नान, जप, ध्यान आदि करने के बाद यथाशक्ति होम, यज्ञ तथा दान वगैरह करके अपने प्रत्येक दिन को सफल बनाए। जो होम, स्नान, जप, ध्यान और यज्ञ आदि पूर्ण कर्म करने वाले हैं उन्हें भयंकर यम यातना नहीं देखनी पड़ती। लोक में जो मानव दीर्घायु, धनाढ्य, कुलीन और निरोग देखे जाते हैं वे पहले के पुण्यात्मा हैं। पुण्यकर्ता पुरुष ऐसे ही देखे जाते हैं। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ? मनुष्य पाप से दुर्गत में पड़ते हैं और धर्म से स्वर्ग में जाते हैं। राजन, तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था उसके अनुसार पापा कुशा एकादशी का महत्व मैंने वर्णन किया। अब और क्या सुनना चाहते हो? तो ये छोटा सा वीडियो जो कि आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपके सारे कष्ट दूर करेगा, तो इसको सुनने के बाद में आप ज़रूर शेयर करें। और अगर पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करें। इसमें पसंद की बात इसलिए नहीं कह सकते, कितने हमको सुनने से ही कितने ज़्यादा पुण्य प्राप्त होते हैं और पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं। तो ये आप सुनकर आप शेयर करें। और अगर आपको अगला वीडियो मेरा देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। इसी के साथ में जय श्री कृष्णा।